Hello students, welcome to the class with me Sangeeta Khatkal, faculty of Purovas International School. Students, in today's video, we are going to study the chapter The Night We Won the Buick. Okay, so let's start. Students, the lesson The Night We Won the Buick emphasizes on the fact that money doesn't make a person rich, but his moral conduct and ethical decisions make him rich. The narrator suffered inferiority complex as his family was the only one in the town who didn't have a car. So let's start the chapter with author's note. John Griggs was a British peer who denounced his parents. कि जो John Griggs थे, जिनका birth 1924 में हुआ and उनकी death 2001 में हुई थी, वो एक ब्रिटिश पीयर थे, मींस एक एरिस्टोक्रेट फैमिली से बिलोंग करते थे. एरिस्टोक्रेट फैमिली मींस वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करते थे. एंड इन्होंने डिनाउंस कर दिया था, नकार दिया था अपने इस पेरेंट्स को, मतलब उन्होंने इस चीज का बेनिफिट लेने से मना कर दिया था. ही इज रिमेंबर्ड फॉर राइटिंग अ 3-वॉल्यूम अवार्ड विनिंग बायोग्राफी ऑफ द फेमस ब्रिटिश स्टेट्समैन. He is remembered. उनको याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने 3 volumes लिखी थी. किसकी लिखी थी? उन्होंने एक बायोग्राफी लिखी थी, उसकी 3 volumes लिखी. Like हम पढ़ते हैं ना हैरी पॉटर की series 1, series 2, वैसे उन्होंने भी इसकी 3 volumes लिखी थी, जो कि एक फेमस ब्रिटिश स्टेट्समैन की थी, डेविड लियोन जॉर्ज की, और उससे उनको अवार्ड मिला. He was the editor of a newspaper that his father owned. वो एक न्यूज़पेपर जिसके ऑनर उनके खुद फादर थे, उसमें उन्होंने एक एडिटर का काम किया. एंड लेटर एक कॉलमनिस्ट फॉर द गार्जियंस फॉर 10 ईयर, और उसके बाद में एक दूसरे न्यूज़पेपर जिसका नाम था द गार्जियन, उसमें 10 ईयर के लिए वर्क किया. ही आल्सो वर्क्ड विद द टाइम्स एंड ओकेजनली रोट फॉर द स्पेक्टेटर, और उन्होंने द टाइम्स के लिए भी काम किया और ओकेजनली वो लिखते थे द स्पेक्टेटर न्यूज़पेपर के लिए भी वो लिखते थे. Have you ever felt embarrassed about not having something that everyone else has? Share your experience with the class. आपने कभी ऐसा महसूस किया है? या आपको कभी शर्मिंदगी महसूस हुई है कि आपके पास कोई चीज नहीं और आपकी क्लास में या आपके आसपास में सभी लोगों के पास में हो? तो ये जो हमारा चैप्टर है, ये भी इसी से रिलेटेड है. ये चैप्टर रिलेटेड है एक कार से. ये स्टोरी है एक ऐसे बॉय की, who was a scent of belonging to the only family in town that didn't own a car. कि वो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता था जिसकी फैमिली के पास में खुद की कार नहीं थी. टाउन में अकेली ऐसी फैमिली थी जिनके पास कार नहीं थी. तो और इस चीज को लेकर उस बॉय को मोस्टली एक अलग सी फीलिंग आती थी. वो बहुत ही अशम फील करता था, एम्बेरस्ड फील करता. It was just before the Second World War. We were the only family in our New York town that didn't own a car. ये जो बात बता रहे हैं यहाँ पर नरेटर, वो बता रहे हैं कि it was just before Second World War. कि ये Second World War के just कुछ समय पहले की बात है. We were the only family in our New York town. कि हमारी सिर्फ इकलौती ऐसी family थी New York town में that didn't own a car, जिनके पास एक कार नहीं थी. Our daily shopping trips were made in a disreputable 2-wheeled basket car. और हमारी जो डेली की शॉपिंग थी, जो हम सामान लेने जाते थे, वो हम करते थे एक disreputable 2-wheeled basket car से, जो ड्रॉन की जाती थी ancient Shetland pony के द्वारा, that my mother had named Barkis. Shetland pony, यहाँ पर एक हॉर्स की ब्रीड के बारे में बात की गई है. जिस तरह से हम डॉग्स की ब्रीड के बारे में बात कर रहे हैं, डॉग्स की ब्रीड्स होती है ना अलग अलग, जर्मन शेफर्ड है, पोमेलियन है, लेब्राडोर है, वैसे ही शेटलैंड पोनी भी एक हॉर्स की ब्रीड है. तो उनके पास में एक हॉर्स था जिसका नेम उनकी मदर ने रखा था बाकिस, और वो नेम उन्होंने आफ्टर द कैरेक्टर इन डेविड कॉपरफील्ड, डेविड कॉपर जो कॉपरफील्ड थे उनकी मूवी के अंदर कोई करेक्टर था, उसके ऊपर उन्होंने उसका नाम लिखा बाकिस. बोनी बाकिस वाज एन आई शो, जो उनका शेटल पोनी था,
तो जो बोने बाकिस था उनका वो एक आईशोर था। आईशोर मीन जो कि अनप्लीजेंट लगता है, देखने में अच्छा नहीं लगता, भद्दा सा लगता है। मीन्स उसकी जो लुकिंग थी, अपीयरेंस थी, वो बहुत अच्छी नहीं थी। एवरी क्लोप ऑफ हिज स्प्लेड हुक्स साउंडेड आर पॉवर्टी। आप नरेटर अगर कह रहे हैं कि एवरी क्लोप ऑफ हिज स्प्लेड मीन्स हर एक क्लोप, यहाँ पर क्या बता रहे हैं, स्प्लेड मीन्स स्प्रेड आउट करता था, उसका जो पैर उठाता था, तो पैर की क्लोप मीन्स जो हॉर्स जब चलता है तो टिक टिक आवाज आती है, तो जब भी वो चलता था तो उसका हर एक क्लोप की जो साउंड थी, उसकी जो हूफ थी, वो हमारी पोएट्री के पॉवर्टी के बारे में, हमारी गरीबी के बारे में साउंड करता था। मीन्स उसको सुनकर हमें हमारी गरीबी का आभास होता था, ऐसा नरेटर को फील होता था। फॉर पुअर वी वर, कि हम लोग पुअर थे। My father's salary as clerk would have maintained us in modest plenty had not half of it gone for the support and medical expenses of ill and indigent relatives. अब यहाँ पर कह रहे हैं कि हम लोग पुअर तो थे, लेकिन वो बता रहे हैं कि मेरे फादर की जो सैलरी थी, जो कि कलर थे, वो मेंटेन कर लेते, हमारा काम इजीली चल जाता था, हम लोग मेंटेन करके मैनेज करके चल लेते थे, क्योंकि हमारी जो फादर की जो सैलरी थी वो सफिशियंट थी। मोडेस्ट प्लेंटी का मीन्स सफिशियंट थी, वो हमें सारी सुविधाएं दे सकती थी, लेकिन कब दे सकती थी, जब हाफ ऑफ द सैलरी जो फादर की थी वो चली जाती थी सपोर्ट करने में, जो मेडिकल एक्सपेंसेस थे उनके, जो इल और जो इंडिजेंट रिलेटिव्स थे, मींस उनके जो गरीब और बीमार रिलेटिव्स थे, उनके ट्रीटमेंट में उनकी आधी सैलरी वही स्पेंड हो जाती थी और उनके पास में फिर हाफ सैलरी ही बचती थी, तो उससे उनका जो इकोनॉमिक लेवल है वो डाउन चला जाता था। एज इट वाज आर होर्स सॉरी आर हाउस वाज मोटेड टू द हिल्ट एंड सम विंटर्स द ग्रोसरी सप्लाइड आर needs on credit। अब वो कह रहे हैं कि as it was, और जैसा कि उनको पता है कि उनका जो house था वो mortgage था, means वो उन्होंने क्या था, loan पे चला गया था, क्योंकि वो जब money borrow लेते थे, उधार पे लेते थे, तो security के तौर पे उनको कुछ चीज रखनी थी, तो कह रहे थे कि mortgage to the hilt का मतलब यहाँ पर यही है कि वो loan पे चला गया था। and some winters, और कभी कभी तो ऐसा होता था कि कुछ विंटर्स जो होती थी, तो जो ग्रोसर सप्लाई करता था ग्रोसरी, उनको जो हमारी बेसिक नीड्स की जो हम चीजें लाते थे, तो वो भी हम सब क्रेडिट पे लाते थे, उधार पे लाते थे। मदर कन्फ्रंटेड द फैमिली बाय सेइंग, तो मदर फैमिली को थोड़ा सा मोटिवेट करने की कोशिश करती थी, वो कहती थी इफ यू हैव कैरेक्टर यू हैव द बेटर पार्ट ऑफ वेल्थ, कि अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है, अगर आपका चरित्र अच्छा है, यू हैव द बेटर पार्ट ऑफ द वेल्थ, तो आपके पास बहुत अच्छा धन है। मीन्स अगर आपका नेचर अच्छा है, अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है, तो आपके पास में आप बहुत रिच पर्सन हो। लिविंग ऑन लिटिल डेवलप्स, अब वो कह रहे हैं कि जब हम रहते थे तो मदर उनको आगे समझाती थी कि जो कुछ इनर रिसोर्सेज है उनके पास में, एंड बिल्ड्स अ स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट, कि धीरे धीरे हम अपना जो बैंक अकाउंट है उसको बढ़ा सकते हैं अगर हम अपने सिद्धांतों पे चलेंगे। माई बीटर रिटोर्ट वाज, तो जो नरेटर थे उनको इस बात सुनकर गुस्सा आता था और वो अपना बीटर रिटोर्ट करते थे, अपना बीटर रिप्लाई क्या करते थे, रेस्पॉन्स क्या देते थे, यू कांट बाय अ कार विद इट, कि मम्मा आपने ठीक कहा कि अगर करेक्टर अच्छा है तो हमारे पास में हम बहुत रिच हैं, लेकिन हम उस करेक्टर से हम कार तो बाय नहीं कर सकते ना। येट शी सक्सीडेड इन मेकिंग ऑस्टेरिटी बियरेबल इन ऑल अदर रेस्पेक्ट। आप कह रहे हैं मदर के लिए कि वो बहुत ही सफलतापूर्वक ऑस्टेरिटी बना के रखती थी, मतलब सिंपल लिविंग जो थी वो थी उनकी ऑस्टेरिटी, उनका मींस यही सिंपल लिविंग जो थी उनकी, एंड उन्होंने बियरेबल किया हुआ था, मतलब वो सहने योग्य थे, जितने भी रेस्पेक्ट थे उनको सब मिलता था। आर होम हैड चार्म, क्योंकि उनका घर जो था वो बहुत ही चार्मिंग था, बहुत ही अट्रैक्टिव था उसका लुक जो था अंदर से, बिकॉज मदर न्यू द सीक्रेट ऑफ यूजिंग अ फ्यू मीटर्स ऑफ ब्राइट चेंज एंड अ लिटिल पेंट इन द राइट प्लेसेस, क्यों, क्योंकि जो मदर थी वो बहुत ही टैलेंटेड थी और वो जानती थी कि किस तरह से
कुछ मीटर जो ब्राइट चिंज जो क्लोथ है, चिंज यहाँ पे लिखा हुआ है ब्राइट मल्टी कलर कपड़ा जो होता है ग्लेज्ड फैब्रिक, उसके लिए तो उसको कैसे यूज करना है, एंड लिटिल पेंट जो है उसको राइट प्लेस कौन सी जगह है उसको यूज करना है, मीन्स हाउ उसको कैसे डेकोरेट करना है, कैसे मेंटेन करना है, ये मदर बहुत अच्छे से जानती थी। बट द गैरेज स्टिल स्टेबल बाकिस, लेकिन घर तो बहुत अच्छा था अट्रैक्टिव था, लेकिन गैरेज में तो अभी भी क्या है, गैरेज के स्टेबल में अभी भी बार्किस है जो कि जिसकी लुकिंग बहुत ही अच्छी नहीं है। सडनली देयर अराइव्ड अ सोल इग्नाइटिंग मोमेंट व्हिच वाज टू कंज्यूम माय शेम इन अ ब्लेज ऑफ ग्लोरी। लेकिन फिर ऑथर कहते हैं कि तभी अचानक से कुछ ऐसा होता है कि शोल इग्नाइटिंग का मतलब यहाँ पर है कि हमारी जो आत्मा है उसको एकदम से प्रज्वलित कर देती है, एकदम से उसमें रोशनी आ जाती है, मीन्स सडनली हमारे अंदर चेंज आता है और उनकी जो शेम होती है कि उनके पास कार नहीं है वो एकदम से चेंज हो जाती है, उनकी थिंकिंग बिल्कुल सब चेंज हो जाता है। यहाँ पे फिर आगे नरेटर बता रहे हैं, 4 weeks a new boy road master had stood in the window of the biggest store on main street। अब एकदम से वो चेंज करते हैं कि वो एक सीन बताते हैं कि कब उनके अंदर ये चेंज आता है, तो कह रहे हैं 4 weeks a new boy, boy is the name of the car, यहाँ पर एक कार जो है उसका नेम बताया इन्होंने कि कुछ वीक्स के लिए बता रहे हैं यहाँ पे कि एक नई जो बुई कार थी रोड मास्टर हैड स्टूड जो कि रोड पे चलाई जाती थी, तो वो खड़ी थी किसमें, विंडो ऑफ द बिगेस्ट स्टोर, बिगेस्ट स्टोर के विंडो में से दिखाई दी थी ऑन द मेन स्ट्रीट के जो शोरूम था वहां से। नाउ ऑन द फाइनल गाला नाइट ऑफ द कंट्री फेयर, अब कह रहे हैं अभी जो फाइनल गाला नाइट थी, फाइनल गाला नाइट मीन्स गाला मीन्स एक फेस्टिवल की तरह से एक जब हम सेलिब्रेट करते हैं, तो वो जो फेस्टिवल नाइट जो थी कंट्री फेयर के अंदर वो आ गई थी, इट वॉज टू बी रफल्ड ऑफ। और उसके बाद में कह रहे हैं कि यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, रफल्ड का मतलब है प्राइस, लकी ड्रो जो है वो निकलने वाला था, तो उसका अनाउंसमेंट होने वाला था आफ्टर वॉचिंग द फायरवर्क्स। तो जब लकी ड्रो निकल रहा था तो उसमें बता रहे हैं कि जब हमने फायरवर्क्स हो गया था, मतलब क्रैकर वगैरह जो थे वो सब हो गए थे, फायरवर्क्स का मतलब वो ये आतिशबाजी जो होती है, तो उसके होने के बाद में आई स्टेड इन द शेडो एट द एज ऑफ द थ्रू फॉर द क्लाइमेक्स, तो मैं रुका रहा था इन द शेडो वहीं पर साइड में एक तरफ खड़ा होके जो एज है थ्रू फॉर द क्लाइमेक्स। यहाँ पे थ्रू का मतलब है जो क्राउड है पीपल्स की, तो लोगों के वहीं बीच में भीड़ में मैं भी खड़ा रहा था क्लाइमेक्स के लिए कि एंड क्या होता है इसमें, ये जो लकी ड्रॉ निकलने वाला है वो किसके लिए निकल रहा है, यहाँ पर जो लकी ड्रो है उसी की बात कर रही है कि जो लॉटरी की टिकट निकलती है उसके लिए। द ड्रॉइंग ऑफ द विनिंग नंबर, कि ये जो लकी ड्रो निकलेगा तो उसमें कौन जो विनिंग नंबर है वो कौन होता है, कौन जीतता है। ड्रैप इन बाउंडिंग ऑन ए स्पेशल प्लेटफॉर्म, अब यहाँ पर ड्रैप का बता रहे हैं कि लिपटी हुई, ये लिपटी हुई थी मतलब कवर की हुई थी इन ए बाउंडिंग ऑन ए स्पेशल, तो बाउंटी का मतलब कलरफुल फ्लैग से, जो सुंदर सुंदर अलग अलग कलर के जो फ्लैग थे उनसे लिपटी हुई थी कार ऑन अ स्पेशल प्लेटफॉर्म, और उसको एक विशेष अलग ही प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ था। द बॉय ग्लिटर्ड अंडर अ डजन स्पॉटलाइट्स, और जैसे ही वो उसका ऊपर से कवर हटता है तो बॉय जो है वो ग्लिटर करती है, शाइन करती है अंडर अ डजन स्पॉटलाइट्स, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी स्पॉटलाइट्स आती है, बहुत सारी रोशनी उस पर आती है। The crowd held its breath as the mayor reached into the glass bowl for the lucky ticket. और जो crowd होती है वो अपनी सांसें रोक के खड़ी हो जाती है कि अब क्या होने वाला है, आगे क्या होगा। जैसे ही जो मेयर होता है सिटी के वो टाउन के वो पहुंचते हैं उस ग्लास बाउल के पास में और वो लकी टिकट निकालने वाले होते हैं, तो उस समय भीड़ भी अपनी सांसें रोक के खड़ी हो जाती है कि बोलते हैं ना दिल थाम के बैठिए कि अभी पता चल जाएगा कि कौन विनर है इसमें। नेवर इन माय मोस्ट एक्स्ट्रावेगेंट इयररिंग्स हैड इट ओकर टू मी दैट लकी लेडी लक वुड स्माइल अपॉन द ओनली फैमिली इन द टाउन विदाउट अ कार। अब कह रहे नेवर इन माय मोस्ट एक्स्ट्रावेगेंट इयररिंग, यहाँ पर एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब एक्सट्रीमली जो फैंसी जो डिजाइन है, तो कह रहे कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी इच्छाएं कभी ऐसे पूरी हुई हो या कभी ऐसा हुआ हो कि मेरा जो लक है मेरी जो किस्मत है मेरे पे मेहरबान हुआ हमारे पर स्माइल की हो
अकेली ऐसी फैमिली जिनके पास में टाउन में कार नहीं है, जो विदाउट कार उस टाउन में रह रही हो। बट द लाउड स्पीकर बूम्ड माय फादर्स नेम। लेकिन ऐसा ही हुआ था, क्यों? क्योंकि कह रहे हैं जब लाउड स्पीकर में बूम्ड हुआ, अनाउंस हुआ तेजी से जोर से मेरे फादर का नेम, बाय द टाइम आई हैड वूम्ड माय वे अप टू द प्लेटफॉर्म। तो जैसे ही फादर का नेम अनाउंस हुआ, वैसे ही वूम्ड माय नेम मींस मैं उस भीड़ को चीरता हुआ मैं भी आगे प्लेटफॉर्म के वहां पहुंच गया। द मेयर हैड प्रेजेंटेड माय फादर विद द की, जहां पर मेयर प्रेजेंट कर रहे थे, दे रहे थे मेरे फादर को उस कार की कीज, एंड ही हैड ड्राइवन ऑफ एडमिटेड चीयर्स। और उसके बाद में मेरे फादर ने कार ड्राइव करते हुए, एडमिटेड चीयर्स का मतलब वो भीड़ के अंदर अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद में भीड़ सेलिब्रेट कर रही, जोर जोर से शोर शराबा हो रहा था, उस भीड़ को चीरते हुए मेरे फादर कार को ड्राइव करते बाहर आते हैं। आई मेड इट होम इन रिकॉर्ड टाइम। मैं भी सही उचित समय पे घर पहुंच गया था, जितनी देर में मुझे पहुंचने चाहिए था उतनी देर में मैं पहुंच गया। द हाउस वॉज डार्क, घर में अंधेरा था, सेव फॉर द लाइट इन द लिविंग रूम, और रोशनी के लिए सिर्फ लिविंग रूम की लाइट्स ऑन थी, बाकी पूरे घर में अंधेरा था। द बुइक स्टूड इन द ड्राइववे, और जो बुइक थी वो ड्राइववे के वहां खड़ी थी, ग्लिस्टिंग इन द ग्लो फ्रॉम द फ्रंट विंडो, और वो ग्लिस्टिंग कर रही थी, चमक रही थी, कहां से? जो रोशनी आ रही थी विंडो से, फ्रंट विंडो से, उसमें उसकी शाइन दिख रही थी। फ्रॉम द गैरेज आई हेड अ स्नफर फ्रॉम बकेस। आप कह रहे हैं लेकिन उनकी जो गैरेज थी उनमें से अभी भी उनको साउंड आ रही थी। किसकी? स्नफर मींस जो नाक से सांस लेते हैं हम, तो उसकी आवाज आती है, या एनिमल्स की जो सांस लेने की आवाज आती है, वो नाक से कुछ साउंड करते हैं, तो अभी भी वो बकेस की आवाज उनको सुनाई दे रही थी। पेंटिंग फ्रॉम माई रन आई टच द कार स्मूथ सर्फेस। अब कहते हैं जैसे ही मैं वहां जाता हूँ दौड़कर, तो मैं टच करता हूँ कार की जो स्मूथ सरफेस होती है उसको। ओपन द डोर, मैं उसका डोर खोलता हूँ, एंड गोट इन साइड, और उसके अंदर बैठ जाता हूँ। द लग्जरियस इंटीरियर हैड दैट वंडरफुल न्यू कार स्मेल। अब कार का जो लग्जरियस बहुत ही शाही इंटीरियर हुआ हुआ था, इंटीरियर मींस अंदर का उसका जो डेकोरम, वो बहुत ही सुंदर था। दैट हैड वंडरफुल न्यू कार स्मेल, और वो बहुत ही वंडरफुल था, एक नई कार की उसमें पूरे में स्मेल थी। आई स्टडीड द ग्लीमिंग डैशबोर्ड। उसके बाद में मैं देखता हूँ वो चमकता हुआ जो डैशबोर्ड है, मींस कार का जो आगे का पैनल है, ड्राइवर की सीट के वहां पर जो कंट्रोलर होता है, तो मैं उसको अच्छे से ध्यान से देखता हूँ। टर्निंग माई हेड टू रिवील इन द कुशन विस्टा ऑफ द बैक सीट। उसके बाद में मैं मेरा हेड टर्न करता हूँ, रिवील। रिवील का मतलब यहाँ पर है बहुत ही हैप्पी, और वो खुश खुश होकर मैं सारा करता हूँ पीछे की तरफ, जो बैक सीट की तरफ मैं टर्न करता हूँ, वहां पर उसका जो विस्टा का मीन्स व्यू, जो बैक व्यू है उसको देखने के लिए। तो जैसे ही मैं आगे फ्रंट सीट पे बैठ के पीछे की तरफ देखता हूँ, आई सॉ माय फादर्स स्टर्न फिगर। तो वहां पर मुझे मेरे फादर के फिगर दिखाई देता है, मतलब मेरे फादर खड़े हुए दिखाई देते हैं थ्रू द रियर विंडो। जो रियर विंडो होती है, बैक विंडो होती है कार की, उससे उनको, नरेटर को उनके फादर दिखाई देते हैं। ही वाज पेसिंग अलोंग द पेमेंट। वो कहाँ खड़े होते हैं? वो पेमेंट पेमेंट फुटपाथ पे खड़े हुए होते हैं। आई स्लैम द डोर एंड रश्ड ओवर टू हिम। मैं जोर से झटके के साथ में उस डोर को बंद करता हूँ, एंड रश्ड ओवर द हिम, और उनके पास दौड़ता हुआ जाता हूँ। जैसे ही मैं उनके पास पहुंचता हूँ, ही सेड लीव मी अलोन, ही स्नर्ल्ड। तो जैसे ही मैं फादर के पास दौड़ के जाता हूँ, वो मुझे गुस्से में बोलते हैं, स्नर्ल्ड का मीन्स होता है यहाँ पर बहुत ही लाउड एंग्री वॉइस में जवाब देना, कि मुझे अकेला छोड़ दो। तो नरेटर यहाँ कहते हैं कि इफ ही हैड क्लब्ड मी ओवर द हेड आई कुड नॉट हैव बीन मोर हर्ट। कि अगर वो मुझे क्लब्ड करते, अगर वो मुझे बहुत हैवी स्टिक से मेरे हेड पे मारते, आई कुड नॉट हैव बीन मोर हर्ट, तो मुझे उतना हर्ट नहीं होता जितना मुझे उन्होंने एक वर्ड बोला था, लीव मी अलोन, और उन्होंने उस गुस्से में मुझे बोला, ये चीज मुझे बहुत हर्ट हुई। आई शॉक्ड आई वेंट इन टू द हाउस, और मैं शॉक्ड रह गया कि उन्होंने मुझे ये बात क्यों बोली, और उसके बाद में मैं घर के अंदर चला जाता। मदर मीट मी इन द लिविंग रूम। जैसे अंदर जाता हूँ लिविंग रूम में, मुझे मेरी मदर मिलती है। डोंट बी अपसेट, सी सेड।
और मदर कहती है कि उदास नहीं हो बेटा, योर फादर इज स्ट्रगलिंग विद एन एथिकल प्रॉब्लम, कि अभी तुम्हारे फादर जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं एक एथिकल प्रॉब्लम से। एथिकल प्रॉब्लम मींस जो कि मोरल प्रिंसिपल से रिलेटेड है, सिद्धांतों से, कि उनके कुछ सिद्धांत है, उन सिद्धांतों के साथ में उनका कुछ स्ट्रगल चल रहा है कि उनको क्या करना है। वी विल हैव टू वेट until he finds the right answer. हम उनका इंतजार करते हैं पापा का, जब तक उनको सही जवाब नहीं मिल जाता तब तक हम उनके लिए वेट करते हैं। What's ethical about winning a boy? तो नरेटर है वो कहते हैं कि इसमें सिद्धांतों वाली क्या बात आ गई, क्या एथिकल प्रॉब्लम आ गए, हमने तो एक बुई विन करी है, जीती है। द कार में नोट बी आर्स, तो मदर कहती है कि हो सकता है कार अपने नहीं हो, आफ्टर ऑल देयर्स अ क्वेश्चन, इसको लेकर भी क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन को लेकर फादर अभी सोच रहे हैं। आई शाउट इट हैस्टिकली, तो मैं जो हूँ हैस्टिकली शाउट करता हूँ, मतलब पावर में तो चिल्लाता हूँ, हाउ कैन देयर बी अ क्वेश्चन, कि इसको लेकर तो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। इट वॉज अनाउंस ओवर द लाउड स्पीकर, कि फादर का नाम जो है वो लाउड स्पीकर में अनाउंस हुआ था, इसको लेकर क्या क्वेश्चन है, कार तो पापा के नाम से ही निकली थी लॉटरी तो। कम हियर सन, तो मम्मा बोलते कि यहाँ आओ बेटा। ऑन द टेबल अंडर द लैम्प वर टू रफल स्टब्स, कि टेबल पे जो लैम्प है उसके नीचे दो रफल स्टब्स है, मींस दो लॉटरी की टिकट्स रखी हुई है, नंबर 348 एंड 349, कि एक टिकट का नंबर है 348, एक का है 349। द विनिंग नंबर वाज 348, जिस नंबर से लॉटरी की टिकट निकली है, कार निकली है, जो विनिंग नंबर है वो है 348। डू यू सी द डिफरेंस बिटवीन द टू, मदर आज, तो मदर कहती है कि क्या तुम्हें इनमें कोई डिफरेंस दिख रहा है 348 349 में। आई लुक्ड केयरफुली, मैं बहुत ध्यान से देखता हूँ। The only difference I can see is that 348 won. मैं तो सिर्फ एक ही डिफरेंस देख पा रहा था, वो क्या था कि जो कार जो लॉटरी निकली है वो 348 के लिए निकली है, जो टिकट जीती है वो 348 जीती है। Hold 348 to the light and look hard. अब इसको 348 टिकट को अपने हैंड में लो और इसको ध्यान से देखो। It required a lot of looking to see the faint letter K dimly marked in pencil on the corner. तो मदर कहती है कि अब इसको रिक्वायरमेंट थी कि उसको अच्छे से पकड़ो और बहुत ही ध्यान से लिखो। वहां पर एक फेंट मतलब बहुत ही हल्का सा लेटर लिखा हुआ था के, जो कि पेंसिल से मार्क किया हुआ था उस लॉटरी टिकट के कॉर्नर पे। डू यू सी द के, क्या तुम्हें ये के लेटर दिखाई दे रहा है, जस्ट बेयरली, हाँ तुम बोलते हैं कि हाँ मम्मा बट अभी भी नहीं दिखाया है, बहुत मुश्किल से। इट स्टैंड फॉर केंड्रिक, तो इस के का मतलब ये केंड्रिक के लिए है, जिम केंड्रिक डैड बॉस, जिम केंड्रिक जो कि डैड के बॉस थे। यस, हाँ, सी एक्सप्लेन्ड, उसके बाद में मदर एक्सप्लेन करती है, माय फादर हैड आस्क्ड जिम इफ ही वांटेड टू बाय टिकट, मेरे फादर ने जिम केंड्रिक से पूछा था कि वो भी चाहते हैं कि लॉटरी की टिकट खरीदना। जिम हैड मंबल्ड व्हाई नॉट, तो जिम ने मंबल्ड किया था मतलब धीरे से फुसफुसा के उनको कह दिया था कि हाँ क्यों नहीं, धीरे से बोल दिया था कि हाँ ठीक है क्यों नहीं ले लेना। एंड टर्न बैक टू व्हाट ही वाज डूइंग, और बाद में वो वापस अपना काम करने लग गए थे जो कर रहे थे। इट मे नेवर हैड क्रॉस हिज माइंड अगेन, और उसके बाद में दोबारा जिम केंड्रिक के माइंड में लॉटरी टिकट की बात भी नहीं आई। डैड एंड बोट टू टिकट, उस समय जब बात करी तो डैड ने टू लॉटरी टिकट करी थी इन हिज ऑन नेम, अपने खुद के नाम से, विद हिज ऑन मनी, खुद के मनी से, मार्किंग 348 फॉर We didn't get a car until after I was a grown up. और वो कह रहे हैं कि जिस पे मार्क किया था 348 उस पे उन्होंने हल्का सा मार्क कर दिया था और उन्होंने सोचा कि अब जो भी निकलेगी एक 348 जिसमें उन्होंने K mention कर लिया था कैंटिक का और 349 उनका खुद का नंबर था। अब कह रहे हैं but as time went on my mother's aphorism, तो जैसे जैसे समय गया अब वो बता रहे हैं कि मेरी जो मदर है उनके आगे वो बता रहे हैं अफोरिज्म को लेकर कि किस तरह से जो सिद्धांत है वो आ जाते हैं। इफ यू हैव करेक्टर, तो मदर कहती हैं कि अगर तुम्हारा करेक्टर अच्छा है, यू हैव द बेटर पार्ट ऑफ वेल्थ, तो तुम्हारे जो वेल्थ है वो बहुत अच्छी है तुम्हारे पास,
took on a new meaning. इसका मुझे एक नया मतलब समझ में आ गया था. Looking back over the years, I know now we were never richer than we were at the moment. और मैं समझ गया था कि अब ये जो टिकट है ये फादर ने जिम केंड्रिक के नाम से ली है और वो उन्हीं सिद्धांतों, वो जो स्ट्रगल कर रहे थे अपने एथिक्स के साथ में, वो वही स्ट्रगल चल रहा था कि ये टिकट मैं रखूं, ये जो कार है ये केंड्रिक के नाम से निकली हुई है, अब इसको इसका ऑनर मैं हूँ. लेकिन ये उनके सिद्धांत है कि इस टिकट पे मैंने केंड्रिक का नेम मेंशन किया है, इट मींस ये टिकट मुझे ही उनको देनी है. तो आई नो नाउ वी वर नेवर रिचर देन वी वर एट द मोमेंट व्हेन डैड मेड दैट टेलीफोन कॉल. अब मुझे पता चल गया था कि हम इतने रिच कभी नहीं थे जिस समय डैड ने जिम केंड्रिक को कॉल किया था. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. थैंक्स फॉर वॉचिंग.